नमस्कार, स्वागत है आपनो गुजरात फर्स्ट में। हूँ छु आपनी साथे राधा। हवे नजर करीशु गुजरात फर्स्ट नी विशेष रजूआत न्यूज रिसर्च में। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। चूंटणी पहला अने चूंटणी बाद आजे पण विद्यार्थियों सहित विपक्षना नेताओं मैदान छे। कारण छे तो लाखों विद्यार्थियों भविष्य साथे थयेला रीतसरना चेड़ा। नीट बाद नेट नी परीक्षा में पण रीतसर नी गैररीति थता आ समग्र मामलो भूतकाळ करता आ वखते वधु गरमायो छे। नेट नी कार्यशैली सामे सवालो उठी रहा छे अने सरकार एक बाद एक एक्शन लई रही छे। शुं छे आ समग्र मामलो, हकीकत जाणवा माटे जुओ अमारी विशेष रजूआत। विद्यार्थीओनी व्यथा आ छे, पेपर लीक नी संपूर्ण कथा। सवालोना घेरामां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लाखों स्टूडेंट नो भविष्य अधरताल। नीट त्यार बाद नेट, केटली परीक्षानु सेटिंग कर्यु फिट। पैसा खाया है, नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है, नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और रीनीट दो हमें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीट के पेपर में धांधली हुई, नेट के पेपर में धांधली हुई, ये लोग पैसे लेके करवा रहे हैं। आज है विद्यार्थियों की व्यथा, पेपर लीक की संपूर्ण कथा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एटले के एनटीए 18 जूने योजायेली यूजीसी नेट नी परीक्षा रद्द करी दीधी छे। परीक्षा मां गड़बड़ी ना इनपुट मळ्या हता। आ केस सीबीआई ने हवे सौंपी देवामां आव्यो छे। महत्वनुं छे के देशना 370 शहरों मां 1205 केन्द्रों पर 9,00,000 थी वधु उमेदवारोए बे शिफ्ट मां आ परीक्षा आपी हती। हवे तमाम विद्यार्थीओए फरीथी परीक्षा आपवी पड़शे। આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે નીટની પરીક્ષામાં ગડબડને લઈને એનટીએ પર પહેલેથી જ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 24,00,000 થી વધારે વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય દાવ પર છે। કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પણ સ્વીકાર્યું હતું કે પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ થઈ છે અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીઓમાં સુધારાની જરૂર છે। मैं देश के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सरकार आप ही के हैं, आप ही के द्वारा ये सरकार की चयन हुई है। आप भरोसा रखिए, हम देश की विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। उनके लिए पारदर्शिता हमारी दायित्व है। कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे और हम दायित्व लेते भी हैं। कुछ अभिभावक, कुछ विद्यार्थियों के मन में जो एनटीए को लेके शंकाएं आई हैं, उसको भी हमको स्वीकृति देना, स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ विषय आई है कि एनटीए में और एक आधुनिक सुधार की आवश्यकता है। सरकार तय किया है, एक कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी में एक्सपर्ट्स रहेंगे, विशेषज्ञ रहेंगे। एनटीए को और मजबूत किया जाएगा। मैं देश की विद्यार्थी और देश की अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं। મહત્વનું છે કે નીટ પરીક્ષા વિવાદને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા દેશભરમાં ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને નેતાઓ દ્વારા પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે। કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે।
ઠેર ઠેર વિરોધ કરનારા કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે। ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, બિહાર, આસામમાં મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયેલા કાર્યકરો અને નેતાઓએ હવે વિરોધ નોંધાવ્યો તો હૈદરાબાદ, બેંગલુરુ અને નાગાલેન્ડમાં ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું છે। યહી કામ અગર યે જબ એક્ઝામ હો રહે થે, સ્ટાર્ટ હો રહે થે, તબ ઉસમે કિયે હોતે તો મુજે લગતા હૈ જબ પરચે યે જબ લીક નહીં જબ પરચે બન રહે થે ઉસ સમય અગર ઇતની બઢિયા વ્યવસ્થા કિયે હોતે તો મુજે લગતા હૈ कि ये बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ होता। आज कांग्रेस को रोकने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बंदोबस्त किया है। पर हम लोग लड़ेंगे, चाहे ये पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे गोली चलावे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। मेरी मांग है कि इसको तत्काल पर्चा निरस्त, ये जो लीक हुए हैं एग्जाम निरस्त किए जाए, और उसी जब निरस्त हो साथ साथ डेट भी डिक्लेयर हो कि किस दिन एग्जाम कराएंगे, और नहीं करा पाते तो मंत्री जी इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान जी घर चले जाएं। और योगी जी से मैं कहूंगा कि जो विनीत आर्या भागा है यूपी पुलिस के भर लीक वाले पर्चा लीक का, अब हर जगह बुलडोजर चलता है बाबा का, बुलडोजर का बाबा, बाबा जी का बुलडोजर विनीत आर्या के घर पे चलना चाहिए। में अपराधी हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, उनको बचाना है। धर्मेंद्र, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, अगर इतना बड़ा घपला हुआ जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको एक गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मत उलझाइए, क्योंकि 25 लाख बच्चों की आह लगेगी सबको, 25 लाख युवाओं के सपनों की आह सबको लगेगी। वो सिर्फ शिक्षा मंत्री को आह नहीं लगेगी, वो तमाम लोग जो इस गुनाह में शरीक हैं, पर्दादारी कर रहे हैं। देश की अंदर 23 लाख बालकों ना भविष्य साथ रमत रमना है। केंद्र नो शिक्षा विभाग अने एनटीए जे रीते रमत रमी रह्यो एना कारणे देश में विद्यार्थियों में भारे भाव आगे त्यारे कांग्रेस पक्ष द्वारा धरना ना कार्यक्रम पाछळनो हेतु छे के कोई पण हिसाबे परीक्षा रद्द थवी जोईए, भ्रष्टाचार बंद थवो जोईए अने मेरिट वाळा विद्यार्थी ने न्याय मळवो जोईए। आम नीट विवाद नो संपूर्ण मामलो हजु ठंडो नथी पड्यो, ત્યાં તો વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ જારી છે, કારણ કે વધુ એક વખત પરીક્ષામાં ઈમાનદારી ન રાખતા સીબીઆઈને કેસની તપાસ સોંપાતા અને નવેસરથી પરીક્ષા લેવાતા વિદ્યાર્થીઓ સહિત વિપક્ષી નેતાઓ અને કાર્યકરોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે। જો કે કેન્દ્ર સરકારે પણ આ દિશામાં સખ્ત પગલાં ભરતા દેશમાં પેપર લીક વિરોધી કાયદો એટલે કે પબ્લિક એક્ઝામિનેશન એક્ટ 2024 અમલમાં આવ્યો છે। કેન્દ્રએ શુક્રવારે મધ્યરાત્રિએ તેનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું। આ કાયદો ભરતી પરીક્ષાઓમાં છેતરપિંડી અને અન્ય ગેરરીતિઓને રોકવા માટે લાવવામાં આવ્યો છે। આ કાયદા હેઠળ પેપર લીક કરવા અથવા તો ઉત્તરપત્ર સાથે ચેડા કરવા પર ઓછામાં ઓછી 3 વર્ષની જેલની સજા થશે અને ₹10 લાખ સુધીના દંડની સાથે 5 વર્ષ સુધી લંબાવી શકાય છે। જો પરીક્ષા યોજવા માટે નિયુક્ત સેવા પ્રદાતા દોષિત ઠરશે તો તેને ₹1 કરોડ સુધીનો દંડ ફટકારવામાં આવશે। જો સેવા પ્રદાતા ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા હશે તો પરીક્ષાનો ખર્ચ તેની પાસેથી વસૂલવામાં આવશે। નીટ અને યુજીસી નેટ જેવી પરીક્ષાઓમાં થતી ગેરરીતિઓ વચ્ચે આ કાયદો લાવવો એ મોટું પગલું છે। આ કાયદા પહેલા કેન્દ્ર સરકાર અને તપાસ એજન્સીઓ પાસે પરીક્ષામાં ગેરરીતિ સંબંધિત ગુનાઓનો સામનો કરવા માટે કોઈ નક્કર કાયદો નહોતો। જાણવું એ પણ જરૂરી છે કે પબ્લિક એક્ઝામિનેશન કાયદો 6 ફેબ્રુઆરીએ લોકસભા અને 9 ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યસભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યો હતો। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 12 ફેબ્રુઆરીએ બિલને મંજૂરી આપી અને તેને કાયદામાં ફેરવી દીધું। અને હવે જો ગરબડી સામે આવે તો સીધો જ અપરાધ માનવામાં આવશે, જેમાં કોઈ પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર કે આન્સર કી લીક કરવામાં આવે, પ્રશ્નપત્ર કે આન્સર કી લીક કરવામાં કોઈની સાથે સામેલ હોવું, અનુમતિ વિના ક્વેશ્ચન પેપર કે ઓએમઆર શીટ પોતાની પાસે રાખવા, પરીક્ષા દરમિયાન કોઈની પાસે જવાબ લખવા મદદ લેવી, પરીક્ષા આપી રહેલા ઉમેદવારોને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મદદ કરવી, એક્ઝામ આન્સર શીટ કે ઓએમઆર શીટની સાથે ચેડા કરવા, કોપીઓના મૂલ્યાંકનમાં અનુમતિ વિના ચેડા કરવા, સરકારી એજન્સી દ્વારા સુનિશ્ચિત પરીક્ષાના માપદંડોનું ઉલ્લંઘન કરવું, મેરિટ માટે સુનિશ્ચિત ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ પણ પ્રકારના ચેડા કરવા,
पब्लिक एग्जाम माटे निश्चित सिक्योरिटी मापदंडो नु उल्लंघन करवो, कोई एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क मा छेड़छाड़ करवी, उम्मीदवारों नी सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट के पछी शिफ्ट मा छेड़छाड़ करवी, कोई पण एग्जामिनेशन ऑथोरिटी ने धमकी के काम करवाथी रोकवा, परीक्षा के एग्जाम ऑथोरिटी ने संबंधित नकली वेबसाइट बनावी तथा नकली एडमिट कार्ड जारी करवा के नकली एग्जाम योजवी। आ तरफ सड़क थी लई संसद सुधी विद्यार्थियों ने सपोर्ट करवा मामले राहुल गांधी शू कहू हवे ते पण जाणीए। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट होल फैमिली। देयर वाज अ डिजिटल लीक आल्सो दिस टाइम। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। मेरा मान पूरे सा हम लोग नहीं हो पाता। और आपके हाथ में, अगर आप क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। तो बीजी तरफ कांग्रेस ना आरोपों सामे भाजपा प्रवक्ता शू कही रहा छे हवे ते पण सांभळीए। पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, तब राहुल गांधी आकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी सियासत करते। मैं तो यूं कहूंगा कि राहुल गांधी प्रतीक है, उनका कल जन्मदिन था, ये वो प्रतीक बन चुके हैं कि केवल उम्र बढ़ने से विवेक का विस्तार नहीं होता। अगर एपिसेंटर किसी को बुलाना है पेपर लीक का, तो बड़े ही स्पष्टता से कहूंगा कि ये पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसकी राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार थी। सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली बात ही समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये 1 फिक जो आप फिगर पे आए हैं कि 1,563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था। तो काफी आज की हियरिंग मैं कहूंगा बहुत अच्छी रही फ्रॉम कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के लिए। आज का हियरिंग बहुत अच्छा था। 8 जुलाई को हम बहुत होपफुल हैं क्योंकि और भी और एविडेंस जैसे हो रहा है, एविडेंस ऑफ मास चीटिंग, एविडेंस ऑफ फ्रॉड, एविडेंस ऑफ कोल्यूशन सामने आ रहा है। न्यूज रिसर्च में हाल समय थयो छे एक विराम नो। विराम बाद जानीशू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना संपूर्ण नेटवर्क विषय। सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ।